जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य समाचार बड़ी खबरों के तहत हम आपको दोस्तों ये न्यूज़ दे रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट है, कैसे आप इसका फ़ायदा लोगे दोस्तों, पूरी जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन यदि आपने इस वीडियो को जरा सा भी पार्ट स्किप कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी अपडेट लेने में दोस्तों चूक कर जाओगे और योजनाओं का लाभ नहीं ले पाओगे। देखिए सबसे पहले किसानों का दोस्तों पूरा कर्जा माफ कर दिया गया है। जैसा कि पहले ये लिमिट लगाई गई थी कि 2 लाख रुपए तक ही माफ होंगे, लेकिन दोस्तों अब किसानों का पूरा कर्जा यहाँ पे माफ कर दिया गया। अब देखिए किन किसानों का कर्जा माफ किया गया है, ये कंप्लीट जानकारी हम इसी वीडियो में आपको देने वाले हैं। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या कागजात चाहिए, ये भी पूरी कंप्लीट जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो में देंगे, जिससे कि आप इस योजना का लाभ उठा सकें। देन उसके बाद में दोस्तों जो एक परिवार में एक नौकरी की बात दोस्तों चल रही थी, योजना की बात चल रही थी, वह योजना शुरू की जा चुकी है। आपने यदि अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप कैसे आवेदन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर आवेदन करेंगे, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। देन दोस्तों लड़कियों को जो फ्री स्कूटी मिल रही है, पढ़ने वाली लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको यहाँ पे फ्री स्कूटी मिल रही है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी स्कूटी के बारे में भी, आप कैसे अपनी बच्ची के लिए स्कूटी लेंगे, ये भी हम यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों, किसानों का पूरा कर्जा माफ है, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है, बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि दोस्तों किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दिया गया है। अब देखिए आप इस योजना में कैसे लाभ लेंगे, आप अपना कर्जा कैसे माफ कराएंगे, और देखिए किन किसानों का पूरा कर्जा माफ किया गया है। तो दोस्तों जिन लोगों के पास यहाँ पर 5 एकड़ से कम जमीन है, उनका यहाँ पे पूरा कर्जा माफ़ कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। और देखिए लिस्ट भी बहुत जल्द जारी होने वाली है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सोमवार तक लिस्ट जारी होने की बात की जा रही है, जैसे ही लिस्ट आएगी सबसे पहले दोस्तों आपको इसी चैनल पे लिस्ट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप अपना नाम उसमें सबसे पहले चेक कर सकें आपका नाम आया है या नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब देखिए आपको कैसे जो अपना पूरा कर्जा माफ़ कराना है, यदि आपके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है दोस्तों तो आपका पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा, और यदि आपके पास 5 एकड़ से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, 5 एकड़ से ज़्यादा है आपके पास, 10 एकड़, 6 एकड़, 8 एकड़ जो भी है, जितनी भी है, तो दोस्तों वहाँ पर सिर्फ आपके लिए 2 लाख रुपये माफ़ किए जाएंगे, ठीक है। यदि आपके पास मान लीजिए 10 लाख का लोन है, तो मात्र यहाँ पर 5 एकड़ से ऊपर वालों का 2 लाख रुपये ही कर्जा माफ़ किया जाएगा, और दोस्तों 5 एकड़ से जो नीचे हैं उनका यहाँ पे पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप दोस्तों लिस्ट आने से पहले ही आवेदन यहाँ पे कर सकें। दोस्तों यह योजना भारत के 2900 राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू, झारखंड, उड़ीसा दोस्तों, और यहाँ पे बिहार, बंगाल, जो भी यहाँ पे राज्य हैं, दिल्ली वगैरह, हर जगह के लिए यहाँ पे 2900 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजना लागू की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे सबको ध्यान में रख के चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई इसमें जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, सभी को लेकर चल रहे हैं दोस्तों। ये नहीं कि SC BC ST और जनरल ये अलग अलग बना दें, सभी को दोस्तों ये कॉमन लिया है, और उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब पर ये चीज़ें चलाई जा रही हैं। अब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए किसानों को, जो पूरा कर्ज अपना माफ़ करा सकें हमारे किसान भाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के बाद में दोस्तों आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए। अब किसानों के पास पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत मुश्किल बात है, तो दोस्तों उनके पास वोटर कार्ड तो होगा ही, ठीक है। तो देखिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, और देन उसके बाद दोस्तों जो आपका किसी भी सरकारी बैंक से जहाँ से भी लोन लिया है वहाँ पर आपका खाता ज़रूर होगा, उस खाते में आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को अटैच करा दें, ठीक है, जिससे क्या होगा योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिलेगा आपको। अब दोस्तों उसके बाद देखिए आपके पास एक खतौनी होती है, जिसमें पूरा ब्यौरा होता है आप किसान भाइयों का, कि आपके पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, तो वो खतौनी चाहिए दोस्तों आपको, तहसील की मोहर लगी हुई उस पर, ठीक है, और मोहर लगी हुई उसको स्कैन करा देना है, और यहाँ पे देखिए जो आपके नज़दीकी जो CSC सेंटर है वहाँ पे जाके दोस्तों आपके पास जितना भी कर्जा है, किसान वही यदि आपके पास है तो आपके पास जितना भी कर्जा है वहाँ पे दोस्तों नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके आपको आवेदन कर देना है कि हम किसान को जो पूरा कर्जा माफ़ किया जा रहा है, किसानों के लिए जो योजना चलाई गई है उसमें दोस्तों हम लाभ लेना चाहते हैं, वहाँ पे CSC सेंटर पे जाके आप जो है करिए अपने आवेदन करिए। यदि आप वहाँ जाके आवेदन नहीं करना चाहते हैं
तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने चैनल के थ्रू लाखों लोगों को देखिए फायदा दिया है, लाखों लोग यहाँ पे फायदा उठा चुके हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप चेक भी कर सकते हैं जो लोग यहाँ पे फायदा उठा चुके हैं अन्य योजनाओं का, इस योजना का नहीं क्योंकि ये तो अभी स्टार्ट हुई है, तो अन्य योजनाओं को हमने दोस्तों लाखों लोगों को फायदा दिलवाया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर चेक करें। देन दोस्तों क्या करना है, नीचे आपको अपना कमेंट बॉक्स में नाम देना है, ठीक है, सिर्फ नाम देना है और आपको अपने जिले का, अपने गांव का, अपने शहर का नाम दे देना है वहां पर, सिर्फ इतना सा काम। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है जिससे कि हमें ये परमिशन मिल जाए कि आप हमारी योजनाओं से संतुष्ट हैं और हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, सहमत हैं और आप इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और वीडियो को लाइक करके हमें ये परमिशन दें कि आप हमारी जानकारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है, जिससे कि आपको योजनाओं का लाभ मिल सके। तो दोस्तों हम सभी किसानों की पूरी लिस्ट बनाकर वहाँ पर भेज देंगे कि इनके पास में ये कर्जा है और ये अपना कर्जा माफ़ कराना चाहते हैं और इनके पास ज़मीन इतनी है, ठीक है, वो आपका सारा कुछ निकल जाएगा। जैसे आप वीडियो को लाइक करोगे आपका पूरा डाटा हमारे पास आ जाएगा और दोस्तों हमें ये परमिशन मिल जाएगी कि हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा दें। तो दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पे दोस्तों सोमवार तक का ये टाइम बताया जा रहा है, जो आपका आज नहीं आने वाला सोमवार है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपकी लिस्ट आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी, जो भी यहाँ पे फायदा लेना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम और वीडियो को लाइक करके परमिशन दें। देन दोस्तों अब बात करेंगे एक परिवार में एक नौकरी योजना। तो यह योजना बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, यह पूरे भारत देश में, हमारे पूरे भारत देश में एक परिवार में एक नौकरी हो जाएगी तो दोस्तों पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते हैं दोस्तों, यह दुनिया के नंबर वन ऐसे नेता बन गए हैं, पूरे पायदान में दोस्तों नंबर वन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जो इतने प्रचंड बहुमत से दोस्तों यहाँ पे जीत दर्ज की है, बहुत ज़्यादा मतों से यहाँ पे इन्होंने जीत दर्ज की है। इसी खुशी में दोस्तों ये इतनी अच्छी अच्छी योजना ला रहे हैं। अब देखिए एक परिवार में एक नौकरी योजना, यदि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों कैसे आप इस योजना का लाभ लेंगे तो वो मैं यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा, कैसे आपको आवेदन करना है वो भी यहीं पर बताऊँगा। तो देखिए आपको क्या, सबसे पहले आपके परिवार में कोई और नौकरी पर नहीं होना चाहिए, उसके बाद में देखिए जो भी है आपको जो जहाँ पे जितनी पढ़ाई आपने कर रखी है, मान लीजिए 8वीं 10वीं 12वीं या डिग्री जो भी है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा नॉन टेक्निकल या टेक्निकल जो भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दोस्तों ज़रूर बताएं आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है। दोस्तों हमने ये एक लिस्ट ऑलरेडी बना के भेज दी है, देन कुछ लोग और रह गए उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जिन्होंने भी पहले कमेंट किया है एक बार और कमेंट करें, नीचे अपना नाम अपनी पढ़ाई लिखाई जिससे कि एक बार और उनका नाम चला जाए तो दोस्तों उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी फ़ायदा मिले। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आपने जितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है ये चीज़ हमें दें और वीडियो को लाइक करके परमिशन दें एक परिवार में एक नौकरी वाले, या आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाके भी वहाँ दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास में देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बैंक खाते की कोई आपको ज़रूरत है नहीं और आपने जितनी भी पढ़ाई कर रखी है, जो भी अच्छी ऊँची से ऊँची या बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर रखी है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेके और आपको वहाँ पे आवेदन कर देना है। और उसके साथ में दोस्तों आपको एक अपना आय प्रमाण पत्र और लगा देना है जिससे कि आपके परिवार की इनकम पता पड़ सके और वहाँ पे इनकम जो है कम से कम रखवानी आय प्रमाण पत्र के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक परिवार में एक नौकरी योजना का लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे लड़कियों को जो फ्री स्कूटी मिल रही है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एक परिवार में एक नौकरी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी पढ़ाई लिखाई जरूर दें हमें जिससे कि हम उनको लाभ दिलवा सकें। लाखों लोग दोस्तों यहाँ से फ़ायदा ले चुके हैं, आपको इतना करने में कुछ भी नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ्री है। अब देखिए लड़कियों को जो दोस्तों फ्री स्कूटी मिल रही है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे जिससे कि कन्याओं को फ्री में स्कूटी मिल सके और उनका दोस्तों लाइफ जो है सुगम हो सके, ज़िंदगी सुगम हो सके, अच्छी हो सके। तो देखिए जो भी लड़कियां यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और घर से दूर दोस्तों उनको पढ़ाई लिखाई करने जाना पड़ता है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी दोस्तों परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उनको फ्री स्कूटी देने का वायदा किया है। दोस्तों ऐसा प्रधानमंत्री भारतीय इतिहास में पहली बार है जो कि यहाँ पे इतना पब्लिक का दोस्तों ध्यान रखा जा रहा है। देखिए आपके लिए गैस सिलेंडर दिए, घर बनवाए दोस्तों, आवास योजना दी और भी दी जाएगी जो लोग रह गए, 11 करोड़ आवास दोस्तों ऑलरेडी दे चुके हैं ये, अब देखिए और भी आवास दिए जाएंगे। और देखिए टॉयलेट बनवाए, गैस सिलेंडर दिए, सारी योजनाएं दोस्तों आपको दी जा रही हैं, बशर्ते आपको लाभ लेना है, कुछ ना कुछ तो लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा या हमारे साथ में दोस्तों कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, जो हम कह रहे हैं वो
जो है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो लड़कियाँ घर से दूर पढ़ने लिखने जा रही हैं उनके लिए उन्होंने स्कूटी देने का प्लान बनाया है, जिससे कि दोस्तों जानते हैं ये सारा कुछ कि लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई लिखाई करने में। अब देखिए, ये कन्याओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कन्या विद्या धन दिया है, कन्या पैदा होने पर दोस्तों काफ़ी चीज़ें यहाँ पे योजनाएं दे रखी हैं, हम एक एक करके सारी योजना आपको बताते रहते हैं। तो देखिए, जो लड़कियां यहाँ पे घर से 5 किलोमीटर की रेंज पे दोस्तों पढ़ने जा रही हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए लड़कियों को फ्री स्कूटी देने का वायदा किया है, और 8वीं से दोस्तों ऊपर की पढ़ाई लिखाई जो भी लड़कियां कर रही हैं, और देखिए उनकी दोस्तों 18 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से जिनकी उम्र कम है उनको यहाँ पे स्कूटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका दोस्तों यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो यदि आपके घर में दोस्तों कोई भी कन्याएं हैं 18 साल से ऊपर है दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम हमें ज़रूर दें, जिससे कि आपको स्कूटी योजना का हम लाभ दिलवा सकें। या दोस्तों अपने नज़दीकी CSC सेंटर, जिसे आप जनसेवा केंद्र बोलते हो, वहाँ पर जाके स्कूटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन में दोस्तों वही चीज़ें चाहिए, आपकी कन्या का यहाँ पे आधार कार्ड, और देखिए जो पहचान पत्र है स्कूल का वो, और स्कूल का नाम देना है, और यहाँ पे देखिए जो भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 10वीं किया है या 11वीं कर रहे हो, 12वीं जो भी आप कर रहे हो, वो उसकी फोटोकॉपी और दे देनी है दोस्तों, देन आपको इन योजनाओं का फ़ायदा उठा लेना है। यदि दोस्तों आपके पास में CSC सेंटर जनसेवा केंद्र नहीं है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी लाभार्थी, जो भी आपकी कन्या पढ़ने जा रही है उनका नाम और वह कौन सी क्लास में पढ़ रही है, सिर्फ इतनी डिटेल्स हमको दे देनी है, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, देखिए लाइक करना जरूरत, थंब से अपने अंगूठे से आप लाइक कर सकते हो, तो इतना करने में कुछ भी नहीं है, आपको कोई बैलेंस नहीं लग रहा, आपका कोई डाटा खर्च नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपकी सुविधाओं के लिए दोस्तों योजनाएं चलाई जा रही हैं, और हमारी कोशिशें यही हैं दोस्तों, पार्टिकुलरली यहाँ पे इसीलिए यह चैनल बनाया गया है, जिससे कि दोस्तों लोगों को यहाँ पे योजनाओं के बारे में पता पड़ सके और उनको यहाँ से लाभ मिल सके, क्योंकि पिछले दोस्तों 5 वर्ष के कार्यकाल में काफ़ी लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जबकि दोस्तों बहुत सारी योजनाएँ चलाई गई हैं। तो दोस्तों इन तीनों योजनाओं में से आपको जिस भी योजना का लाभ चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें परमिशन दें कि दोस्तों हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें, आप सभी की लिस्ट बनाकर आगे बढ़ा सकें और आपको यहाँ पे योजनाओं में लाभ दिलवा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।